हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है? अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और अ पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट रिपीटली विथ हाई इफिशेंसी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सेम स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए किया जाता है, जिससे आपकी इफिशेंसी जो है वो बढ़ जाती है। द प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, यानी कि जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रिपेयर और दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूट। अब प्रिपेयर पार्ट में क्या होता है उसको जानते हैं। एट द प्रिपेयर स्टेज अ स्टेटमेंट टेम्पलेट इज सेंट टू द डेटाबेस सर्वर, यानी कि प्रिपेयर स्टेज में एक टेम्पलेट बनाया जाता है स्टेटमेंट का और उसको सर्वर के पास, यानी डेटाबेस सर्वर के पास सेंड कर दिया जाता है। द सर्वर परफॉर्म्स अ सिंटैक्स चेक एंड इनिशियलाइज सर्वर इंटरनल रिसोर्स फॉर लेटर यूज। देन एग्जीक्यूट स्टेज में क्या होता है? एट द एग्जीक्यूट स्टेज द पैरामीटर वैल्यू आर सेंट टू द सर्वर, यानी कि पैरामीटर का जो वैल्यू है उसको सेंड किया जाता है सर्वर के पास। द सर्वर क्रिएट्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट टेम्पलेट एंड दीज वैल्यूज टू एग्जीक्यूट इट। देन सर्वर क्या करता है? सर्वर क्रिएट्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट टेम्पलेट, यानी कि जो प्रिपेयर स्टेज में टेम्पलेट भेजा गया था उससे एक स्टेटमेंट बनाता है और उसमें जो वैल्यूज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उन वैल्यूज को रखता है। टेक्निकल बातों से थोड़ा सा हट जाएं और सिर्फ सिंपल समझें कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्यों पढ़ना है, क्या होता है इससे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना हुआ चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आप अपने स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकें या फिर आपका जो इफिशेंसी लेवल है वो ज़्यादा ऊपर हो सके, हाई हो सके। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अभी सब कुछ जानना है हमें, होता है मन में कभी कभी जब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो जनरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग डेटाबेस के साथ करेंगे। इससे कहने का मतलब ये है कि हम लोग डेटाबेस में क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जी हाँ, यही सारी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके करेंगे। बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अकेले काम नहीं करता, इसको काम करना पड़ता है MySQLi के साथ या फिर PDO के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और सेलेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग MySQLi प्रोसीजरल प्लस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद देखेंगे MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद देखेंगे PDO प्लस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, अब एक और चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे क्लाइंट के लिए, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आप जनरली MySQLi प्रोसीजरल, MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर PDO का यूज़ करके डेटाबेस से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा है, लेकिन वो थोड़ा सा लेस सिक्योर है कंपेयर टू दिस वन। कंपेयर करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। MySQLi प्रोसीजरल और MySQLi प्रोसीजरल प्लस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, दोनों को कंपेयर करें तो MySQLi प्लस प्रिपेयर्ड ये जो है ये ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू सिर्फ MySQLi प्रोसीजरल। उसी तरीके से कंपेयर करेंगे आप MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर्ड वाला ज़्यादा सिक्योर। उसी तरीके से आप अगर कंपेयर करते हैं सिर्फ PDO और PDO प्लस प्रिपेयर्ड, तो PDO प्लस प्रिपेयर्ड ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू ओनली PDO। क्लियर है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए क्लाइंट के लिए जब कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाए। तब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसी एक्सप्लेनेशन को आगे लेकर चलते हैं। दी MySQL सर्वर सपोर्ट्स एनोनिमस पोजिशनल प्लेस होल्डर विथ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क को हम लोग कहते हैं एनोनिमस प्लेस होल्डर। MySQL में सिर्फ आप इसी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्लेस होल्डर, लेकिन PDO में अगर इसको देखें तो PDO सपोर्ट्स बोथ एनोनिमस पोजिशनल प्लेस होल्डर, जो कि क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट होता है, एज वेल एज नेम्ड प्लेस होल्डर। नेम्ड प्लेस होल्डर कैसे लिखते हैं? अ नेम्ड प्लेस होल्डर बिगिन्स विद अ कॉलन फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर, जैसे हमने लिख दिया कॉलन रोल, तो ये एक नेम्ड प्लेस होल्डर हो गया। इन शॉर्ट, MySQL में जब आप काम करेंगे, MySQL से मेरा मतलब है MySQLi प्रोसीजरल और MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब इसमें काम करेंगे प्लस प्रिपेयर्ड में,
जब इसमें काम करेंगे तब आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा एज अ प्लेस होल्डर, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क होगा प्लेस होल्डर के तौर पर। लेकिन जब आप पीडीओ में काम करेंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप या तो क्वेश्चन मार्क एज अ प्लेस होल्डर यूज कर लीजिए या फिर आप कॉलन फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर इसको भी प्लेस होल्डर की रूप में यूज कर सकते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है, क्वेश्चन मार्क को कहते हैं एनोनिमस प्लेस होल्डर, और कॉलन के साथ जो आइडेंटिफायर लाकर हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेम्ड प्लेस होल्डर। इसको और कुछ कुछ अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई मार्कर कहता है, कोई मार्कर पैरामीटर वगैरह, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना हमारा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक पर है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट ये थ्योरिटिकल ही है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसको लिखना है, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल जो हम लोग जनरली लिखते हैं, हम लोगों ने एक इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम रोल एड्रेस वैल्यूज, मैंने उसका वैल्यू ले दिया राज, कॉमा देकर रोल नंबर और एड्रेस दे दिया। ये हम लोग जनरली लिखते हैं, ये विदाउट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। ओके, चाहे आप MySQLi प्रोसीजरल यूज करें या फिर MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर PDO, आप इस तरीके से इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, ये विदाउट प्रिपेयर्ड है। जब इसको विद प्रिपेयर्ड लिखने को कहा जाए तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम रोल एड्रेस और वैल्यूज देकर आप बिटवीन पैरेंथेसिस लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, जिसे कहते हैं एनोनिमस पोजिशनल प्लेस होल्डर। तो अगर तीन वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नेम रोल और एड्रेस है, तो तीन क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा। इसी तरीके से अगर नेम्ड प्लेस होल्डर का एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरीके से लिखना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम रोल एड्रेस वैल्यूज कॉलन नेम कॉमा कॉलन रोल कॉमा कॉलन एड्रेस। अब अगर आप पीडीओ यूज करते हैं तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप MySQLi का आपने यूज किया तो सिर्फ ऊपर वाला यानी कि जो एनोनिमस क्वेश्चन मार्क जो है सिर्फ वही आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इस कोड को और डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तब। उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे उसको लिखा जाता है और क्या चीज़ें उसमें होती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होता है कि आपका जो कुछ भी डेटा पास हो जा रहा है, यूजर इनपुट अगर आपने कुछ फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है तो उससे इंजेक्ट हो जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन जिसको कहते हैं, और आपका जो डेटाबेस होता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने देखा होगा इसको प्रैक्टिकली, बट मैंने बहुत पहले इसमें वीडियो ट्यूटोरियल बनाया था कि किस तरीके से आप किसी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे डिलीट करना पड़ा बिकॉज वो इलीगल था। जिस साइट का डेटाबेस हम लोगों ने मतलब मैंने निकाला था वो एक्चुअली मेरा नहीं था, और उसको मैंने समझ लीजिए कि पूरी तरीके से वो इलीगल था आई थिंक ऑल्सो, सो मैंने उसको डिलीट कर दिया। एक आर्टिकल भी था मेरी ब्लॉग में बट उसको भी मैंने बाद में डिलीट कर दिया था। ओके, सो एक्चुअली वो अनइथिकल था, उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। एक्चुअली किया तो किया, मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए था। वो वेबसाइट वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या हो सकता है, मैं आपको एक इनशॉर्ट बता देता हूँ कि अगर आप किसी साइट में एसक्यूएल इंजेक्ट करते हैं किसी भी टूल का यूज़ करके फिर मैनुअली, तो उसका डेटाबेस का जो टेबल रहता है उसको आप डंप कर सकते हैं, उसका जो डेटा होता है उसको फैच कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एज अ मतलब आप एडमिन नहीं हैं उसके डेटाबेस को एक्सेस करने का ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है, बट फिर भी आप एसक्यूएल इंजेक्शन करके समझ लीजिए कि एक तरीके से आप हैकिंग कर रहे हैं उसकी वेबसाइट में और उसके डेटाबेस को हैक कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको ठीक करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से सिक्योरिटी मिल सकती है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रिड्यूस पार्सिंग टाइम एज द प्रिपरेशन ऑन द क्वेरी इज डन ओनली वंस। जो पार्सिंग टाइम होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कह सकते इसको, एक्चुअली जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इंसर्ट इनटू दिखाया, वह सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता।
बट उसका एग्जीक्यूशन बस बार बार होता है। उस स्टेटमेंट को एज अ टेम्पलेट बना दिया जाता है, फिर आप उसमें डेटा पास कीजिए, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, फिर नया डेटा पास कीजिए, फिर से एग्जीक्यूट होगा। बार बार उस इंसर्ट को वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रिपेयर करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस पार्सिंग टाइम। ओके, उसके बाद एक और देख लीजिए, बाउंड पैरामीटर्स मिनिमाइज बैंडविड्थ टू द सर्वर एज यू नीड, सेंड ओनली द पैरामीटर्स ईच टाइम एंड नॉट द होल क्वेरी। सो गाइस, ये एडवांटेज हैं कुछ, और भी आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं लाइक डिसएडवांटेजेस, और भी एडवांटेजेस, और क्या चीज़ें थियोरेटिकल हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में, तो आप गूगल में आसानी से सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, अगर आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में इतनी सारी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, बिकॉज मायने रखता है प्रैक्टिकल। अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है, तो अगर सिलेबस में है फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में, लेकिन इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के लिए भी, इतना आपको अगर याद रहे तो काफ़ी है। सो गाइस, ये तो थियोरिटिकल नॉलेज कह सकते हैं आप इसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में। एक और वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जिसमें हम लोग बातें करेंगे कुछ फंक्शंस की, कि कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए, बट दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर MySQL I प्रोसीजरल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।